हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो है चाउमीन। और ये चाउमीन इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसको मेरे हबी जी ने बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया है, और वो चैनल पे पहली बार कुछ बना रहे हैं, तो प्लीज़ उस नाते आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो पहले उन्होंने पत्ते गोभी काटे हैं, और गाजर काटी है, और शिमला मिर्च काटी है, और उसके बाद इधर प्याज है जो बारीक कटे हुए हैं, मीडियम साइज में है, और हरी मिर्च काट लिया है उन्होंने, और टमाटर काटे हैं, और अदरक और लहसुन को घिस लिया है जो कद्दूकस होता है छोटा सा, उसकी मदद से। और ये काम मैं ही करने वाली थी, बनाने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं बना देता हूँ। वैसे वो बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी उनका ये जो ट्रिक है, टिप्स है, जो भी है, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि बनाते किस तरह है। तो ख़ास बात ये है कि जब वो चाउमीन उबालते हैं इस तरह से, तो उसमें थोड़ा सा तेल और नमक डाल देते हैं। तेल से ये अलग अलग रहते हैं, और नमक से कि चाउमीन में टेस्ट आ जाता है, नमक वाला, नमकीन सा। और उसके बाद इन्होंने लिया यहाँ पर तेल, आप जो तेल यूज़ करते हैं खाने में, आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं। और मेरा किचन बहुत मैसी हो रखा था, क्योंकि जब लड़के लोग कुछ बनाते हैं ना, तो वो इसी तरह से फैला फैला के ही बनाते हैं। तो इन्होंने पहले इसमें तेल डाला है, और फिर जीरा डाला है। इनको बड़ी शर्म आ रही थी कैमरे के सामने फेस करने में, बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर मैंने ज़्यादा उनको रिकॉर्ड नहीं किया है, और वो आएंगे कैमरे के सामने, बोले हैं जब तुम्हारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आऊँगा ज़रूर कैमरे के सामने और अच्छे से बात करूँगा। और फिर उन्होंने प्याज और मिर्च है इसको भी डाल दिया है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे चलाना है प्याज और मिर्च को। और हमारे प्याज और मिर्च जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तब इसके बाद हम लोग इसमें जो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट था, मतलब घिस के जो रखा था हम लोगों ने, उसको डाल देना है। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है ऐसा बनाने से। आप लोग अगर इस तरह नहीं बनाते तो एक बार ट्राई करिएगा घर में। और उसके बाद इन्होंने पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च डाल दी है। आप चाहो तो इसमें अभी हरी मटर का सीजन है, तो आप हरी मटर भी डाल सकते हैं। और मेरी जो ये चाउमीन बन के तैयार होगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी चाउमीन की ये रेसिपी। और उसके बाद इन्होंने इसको अच्छे से चलाया है, और इसको ढक दिया है ताकि पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च पक जाए। तो ये पक चुके हैं, और उसके बाद फिर से इसको एक बार चला लेना है। कितने अच्छे दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की सब्जी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। और उसके बाद इन्होंने इसमें हल्दी डाला है, और फिर पीसी मिर्च डाला है इन्होंने, ताकि एक तीखा स्पाइसी सा अच्छा सा फ्लेवर आ सके चाउमीन में। और फिर हल्दी और पीसी मिर्च को अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से, ताकि जो हल्दी है वो कच्ची कच्ची ना लगे। फ्रेंड्स, आप ही बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखना पसंद है, मैं वैसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तो ये हल्दी और जो पीसे मिर्च अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें जो हम लोग चाउमीन को रखे थे ना, वो भी डालने वाले हैं। तो उससे पहले इन्होंने नमक डाल दिया है, वैसे तो चाउमीन बनाना बहुत इजी होता है, पर सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो नमक के बाद इन्होंने टमाटर डाल दिया है यहाँ पर, और मैं अपनी शादी की एल्बम और ब्लाउज़ कलेक्शन बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ, तो फटाफट से मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं। और टमाटर पक जाने के बाद इन्होंने इसमें चाउमीन डाला है। देखिए चाउमीन कितनी अच्छी दिख रही है, क्योंकि जब ये इसे उबाल रहे थे तभी इसमें हल्दी, सॉरी, नमक और ऑयल डाल दिया था इन्होंने, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। तो ये खिले खिले चाउमीन ऐसे उबल के तैयार हुई है, और नमक इसमें पहले से ऐड है, तो ज़्यादा हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, तो भी चाउमीन में तो पहले से नमक है, तो बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इन्होंने सोया सॉस डाला है इसमें सबसे लास्ट में, और विनेगर भी डाला है,
तो सोया सॉस और वेनेगर और चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो हम लोगों ने प्याज और टमाटर वगैरह रख पकाया है उसके साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और रियल में देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड बनाए हैं तो एक लाइक तो बनती है उनके लिए, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, और जिनको ये रेसिपी पसंद आई हो वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मैंने इसे टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ ऐसे सर्व किया है, इसकी प्लेटिंग की है। आई होप गाइस कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ बता देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।